हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम प्लांट पीएएक्स की डिजिटल इनपुट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो टॉपिक है वो डिजिटल इनपुट का है। तो इस डिजिटल इनपुट के अंदर जब भी हम किसी प्लांट पीएएक्स की लाइब्रेरी को यूज करते हैं तो उसके अंदर हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला तो एड ऑन इंस्ट्रक्शन जरूरत पड़ती है, दूसरा फेस प्लेट की जरूरत पड़ती है और तीसरा हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो हमने प्लांट पीएएक्स लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर ली हैं। तो पहला जो एड ऑन इंस्ट्रक्शन है वो ये, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, p_din, इसको हमने इम्पोर्ट कर लिया है। और दूसरा और तीसरा जो काम है वो हमें स्काडा के अंदर करना होता है। तो स्काडा के अंदर हमने ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर लिया है। और साथ ही साथ इसकी जो डिस्प्ले है p_din-faceplate, इस फेस प्लेट को भी हमने यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है। तो जो भी चीजें हमें प्लांट पीएएक्स लाइब्रेरी से मिलनी थी वो हमने यहाँ पर कॉपी और पेस्ट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके हमने यहाँ पर ले लिया। अब सबसे पहले हम ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी स्क्रीन के अंदर लाएंगे, जहाँ भी स्क्रीन आप जिसमें भी आज काम करना चाहते हैं। जैसे मैं स्क्रीन नंबर 3 पे काम कर रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रीवियस क्लास में हमने कुछ एक एनालॉग इनपुट की क्लास की थी और एक मोटर की क्लास की थी, वही स्क्रीन है। इसके अंदर हम इसमें अपने ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पर आ गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब दूसरा काम हमारा ये पड़ता है कि इसके अंदर हम अपने टैग कनेक्ट करें। तो टैग कनेक्ट करने से पहले हमें लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर आज एक नई रूटीन बनाई है डिजिटल इनपुट। इसके अंदर एक नई रंग लेंगे और एक नई रिंग लेने के बाद एड ऑन के अंदर जाएंगे और p_din ये वाला हम यहाँ पर एड ऑन इंस्ट्रक्शन ले लेंगे। अब हमको सबसे पहला इसका एक टैग हमें देना पड़ता है। इसका टैग मान लीजिए मैं दे देता हूँ, जैसे ये p_din_01 नाम दे दिया। ये हमने इस तरह का अभी नाम दे दिया। अगर ये फिजिकली या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जब होगा तो कोई नाम होगा, जैसे सपोज प्रेशर स्विच, लेवल स्विच या फिर कोई और डिजिटल इनपुट या फिर कोई और सेंसर से वैल्यू आती हुई कोई नाम होगा, उस पर्टिकुलर नाम देंगे। लेकिन हमने यहाँ टेस्टिंग के लिए ये नाम दे दिया क्योंकि हमारे एड ऑन का नाम p_din है, तो हमने उसी से मिलता जुलता एक नाम दे दिया है p_din_01। और फिर इसको एक बार राइट क्लिक करके क्रिएट कर देंगे और इसका जो डेटा टाइप है वो p_din होना चाहिए। ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब जो भी डिजिटल सिग्नल फील्ड से हमारे पास आएगा INP_PB, इसके अंदर वो टैग रहेगा जो टैग हम हमारे पास फील्ड से सेंस होके आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसी का नाम दे देते हैं, जैसे p_din_01_.INP_PB ये नाम दे दिया मैंने। अब इसके अंदर जो फील्ड से सिग्नल आएगा वो हमारा इसमें जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पर हम कोई जो फील्ड से सिग्नल आ रहा है, जैसे मान लीजिए R1S1CH01, ये जो फील्ड से सिग्नल आएगा इसको हम इसके साथ अलाइज कर देंगे, यानी कि यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और एक कॉइल लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब फील्ड से जब सिग्नल इसके अंदर आएगा तो ये इसकी INP_PB के अंदर चला जाएगा। ये हमने इसका एक सिंपल छोटा सा लॉजिक बना लिया है। इसको एक बार PLC के अंदर डाउनलोड करें, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और एक बार डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अभी ये लॉजिक PLC के अंदर डाउनलोड हो गया है। अब हम चलते हैं अपने स्काडा के अंदर। अब हम आ गए स्काडा के अंदर और जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमने अभी अभी कॉपी पेस्ट किया था उसके अंदर हम अपने टैग को ग्लोबल ऑब्जेक्ट पैरामीटर वैल्यूज इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो अभी अभी हमने बनाया है इसको इसके अंदर
एलाइज करेंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश ऑल फोल्डर करेंगे और पी डी आई एन अंडरस्कोर 01 ये वाला जो टैग है इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, एक बार और ओके करेंगे तो ये रेडीमेड डी आई के लिए फेस प्लेट रेडी हो चुकी है। अब हम इसको एक बार सेव करेंगे और अपने क्लाइंट को एक बार रिफ्रेश करेंगे, एक बार किसी दूसरी स्क्रीन पर जाएंगे और वापस 38 नंबर स्क्रीन पर आएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये डिस्क्रीट इनपुट और इसकी जो स्टेट है वो ऑफ दिखा रहा है। यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसके अंदर पहली टैब जो है ये होम है, ऑपरेटर डैश होम, इसको होम बोलते हैं। इसके अंदर अभी देखिए कुछ अलार्म आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है टारगेट डिसएग्री अलार्म, इसको हम एक्नॉलेज कर देते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले कुछ फीचर्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस डीआई को टेस्ट करेंगे। तो पहली टैब है जिसके अंदर ऑपरेटर और होम लिखा हुआ है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर हमारे पास या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। यहाँ पर हमारा डीआई का जो स्टेटस है उसका फीडबैक यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर ऑन दिखाना है या ऑफ दिखाना है या स्टेट 0 स्टेट 1 दिखाना है या फिर ट्रू और फॉल्स दिखाना है, वो सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। आगे बताऊंगा मैं कि इसको कहाँ से चेंज कर सकते हैं। लॉजिक में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर जो भी दिखाना है फेस प्लेट से ही आप डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, इसके अंदर पी वी फ्रॉम इनपुट लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रोसेस वैल्यू यानी कि फील्ड से सेंस होके आएगी। और जो दूसरा है सब्स्टिट्यूट पीवी, इसका मतलब जब हम एक सब्स्टिट्यूट पीवी ऑन कर देंगे तब हम टेस्टिंग के लिए यानी कि फील्ड से कोई वैल्यू नहीं आ रही है तब भी हम यहां से उसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी के केस में अगर हम यहां पर चाहें तो हम इसको एक बार प्रेस करके सब्स्टिट्यूट पीवी को ऑन कर लेंगे और फिर हम यहां से अगर ऑन करना चाहेंगे तो हमारा ऑन का कमांड, यहां पर ऑन का फीडबैक आ जाएगा, देखिए ऑन हो गया है और यहाँ पर भी इसने ऑन दिखा दिया है, और अगर ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक थी। अब इसको हम वापस ओरिजिनल वैल्यू पे कर देते हैं। तो ये तो होम पे है क्या दिखाना है। दूसरी टैब हमारी है मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हैं। पहला जो सेक्शन है ऊपर वाला फर्स्ट हाफ, इसके अंदर पी वी फ्रॉम इनपुट और सब्स्टिट्यूट पीवी, ये दोनों में से जो भी सिलेक्शन होगा वो हमारा पीवी यहाँ पर निकाल के देगा। लेकिन इसके अंदर हमारे पास फीचर्स ऐसे भी हैं कि अगर फील्ड से हमारे पास सिग्नल आ गया या फिर सिग्नल चला गया तो इसके अंदर हम एक डीबाउंस टाइम डाल सकते हैं, जैसे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 25 सेकेंड या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 25 सेकंड डाल देता हूँ तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई फील्ड से या सब्स्टिट्यूट जो पीवी है यानी कि डिजिटल इनपुट है वो एक बार आने के बाद वो अपने पास होल्ड करके रखेगा और ऑन तब करेगा जब उसका डिबाउंस टाइम लैप्स हो जाएगा। यानी कि 25 सेकेंड हमने दिए हैं तो 25 सेकेंड बाद हमारे पास ऑन का फीडबैक आएगा। वहीं जब अगर हम इसको ऑफ करेंगे तो ऑफ तुरंत नहीं होगा, वो 25 सेकंड बाद ऑफ होगा। इसमें हमको कोई अलग से लॉजिक नहीं लिखना पड़ेगा, ये सिंपली लॉजिक पहले से लिखा ही हुआ है, बस हमको कुछ यहाँ पर सेटिंग करनी है और टाइम डालना है। दूसरा सेक्शन जो डाउन में दिख रहा है ये अलार्म के लिए है। अलार्म में अगर हमारे फीडबैक आई नहीं है तो एक अलार्म जनरेट कर दें, उसमें भी हमारे पास कुछ डिले टाइम डाल दें, जैसे कितनी देर बाद हमारा अलार्म चाहिए, ऑन का कितनी देर में चाहिए, ऑफ का कितनी देर में चाहिए, तो उस सब की सेटिंग है जो कि हमारे हाथ में यहाँ पर दी है। तो ये तो हो गई हमारी मेंटेनेंस टैब। अब तीसरी टैब हमारी आती है इंजीनियरिंग टैब। इंजीनियरिंग टैब के अंदर आप अपने हिसाब से इस सिग्नल का नाम दे सकते हैं, लेबल दे सकते हैं, टैग नेम दे सकते हैं। और पीवी जब 0 है और पीवी जब 1 है
उस टाइम पे आप क्या शो कराना चाहते हैं उस चीज़ को आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे जब फील्ड से सिग्नल आए तो आप स्टेट वन शो करना चाहते हैं या स्टेट वन शो करना चाहते हैं या ऑन शो करना चाहते हैं या फिर ट्रू शो करना चाहते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या आपके यहाँ पर जो ज़्यादा सूटेबल हो उस टेक्स्ट को हम डिस्प्ले करा सकते हैं। जो बहुत कॉमन है वो ऑन और ऑफ दिखाते हैं। जैसे फील्ड से कोई सिग्नल हमारे पास आ जाता है तो हम ऑन दिखा देते हैं और जब फील्ड से सिग्नल वो चला जाता है तो वो ऑफ दिखा देते हैं। तो इसलिए हमने इसमें ऑन और ऑफ लिख रखा है, स्टेट जीरो पे ऑफ और स्टेट वन पर ऑन। तो ये हो गए। और कुछ यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन हैं, जैसे डिस अलाउ सिलेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर हम इसको अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर एक बार हम क्लिक कर देंगे तो जब हम होम पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट पीवी यानी कि आप हाथ से यानी कि मैनुअली यानी कि ऑपरेटर इसको टेस्ट नहीं कर सकता। फील्ड से अगर एक्चुअली सिग्नल आएगा तभी यहाँ पर शो करेगा, ऑपरेटर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट उसका नहीं दे सकता। तो ये एक ऑप्शन था। मैं वापस इंजीनियरिंग जाता हूँ, मुझे ये अभी चाहिए है तो कर सकते हैं, नहीं तो ये अलाउ कर सकते हैं। उसके अलावा क्लियर प्रोग्राम कमांड्स ऑन रिसेप्ट, अगर हमारे पास अलार्म चला गया मतलब हमारा फीडबैक आ गया तो ये ऑटोमेटिक अपने अलार्म को क्लियर करेगा। डिस्प्ले स्टेट टेक्स्ट नॉर्मल स्टेट इक्वल टू टारगेट, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस टैब में इंजीनियरिंग टैब थी। उसके बाद चौथी जो है अलार्म कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर हम अलार्म को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि टारगेट एग्री ये एक्नॉलेज करना है या एक्नॉलेज रिसेट रिक्वायर्ड है, वो इसके अंदर हम सेटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ सेवरिटी यहाँ पर हम डाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, किस प्रायोरिटी बेस पे इस अलार्म को आपको शो कराना है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेवरिटी को यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ डिसएग्री जो अलार्म आना है उस अलार्म को कितनी देर में आना है उसका टाइम भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और जो लास्ट टैब है ये अलार्म का है, अगर कोई अलार्म यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर अलार्म दिखाई देगा और एक बटन भी यहाँ पर दिखाई देगी जिसको हम यहाँ से एक्नॉलेज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक्नॉलेज कर देता हूँ। अब ये हमारे पास यहाँ पर डिसअलाउ है, यहाँ को इसको अलाउ कर देते हैं तो यहाँ पर दोनों चीज़ें दिखेंगी। अभी के केस में हम यहाँ पर फील्ड से सिग्नल को चेक करेंगे। अब फील्ड से सिग्नल हमारे पास कहाँ से आएगा, तो फील्ड से सिग्नल हम यहाँ पर PLC के अंदर ही यहाँ से इस चैनल को टॉगल करके देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको टॉगल करके दे दिया तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये ऑन दे रहा है। अभी इसके अंदर हमने 25 सेकेंड दिए हैं, ठीक है। अब अगर एक बार हम इसको ऑफ कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि ये यहाँ पर अभी ऑफ नहीं हुआ है, अभी ये ऑन है क्योंकि ये अभी 25 सेकेंड लेगा। अब ये ऑफ हो गया और एक अलार्म भी जनरेट कर दिया। इसको एक्नॉलेज कर देंगे और एक बार फिर से इसको हम DI को फील्ड से दे देंगे, ये हमने फील्ड से दे दिया। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि STS_PV ये तो यहाँ पर आ गया, यानी कि फील्ड से जो सिग्नल आ गया वो तो आ गया लेकिन इस STS वाली बिट अभी ऑन नहीं हुई है क्योंकि ये 25 सेकेंड के बाद ये ऑन होगी। अभी ये फील्ड से यहाँ पर ऑन हो गया है, देखो 25 सेकंड के बाद यहाँ पर ये ऑन हो गया। तो इस तरह से हम अपना डिले इसके अंदर सेट कर सकते हैं और उस डिले के अकॉर्डिंग हम ऑन और ऑफ की फीडबैक को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से इस फेस प्लेट में कुछ फीचर्स थे। ये फेस प्लेट और ग्लोबल ऑब्जेक्ट और एड ऑन इंस्ट्रक्शन ये सब प्लांट PaXT लाइब्रेरी में ऑलरेडी बने हुए हैं, बस हमको सिंपली इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके या कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेना होता है और फिर उसको इस तरह से यूज करके अपना प्रोग्राम
टाइम बहुत ही कम टाइम के अंदर प्रोग्राम को रेडी कर सकते हैं, क्योंकि हमको कुछ प्रोग्राम लिखना नहीं है। सिंपल अपना लॉजिक को इंपोर्ट किया, फेस पीरियड को इंपोर्ट किया और अपने ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट किया और उसको कॉपी पेस्ट करके टैगिंग करके उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारा बहुत ही कम समय लगता है, यानी कि हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।